गोइंग लाइव गोइंग लाइव गोइंग लाइव ओ भाई साहब ठीक है जल्दी से आ जाओ ओ भाई बहुत बढ़िया ठीक है चलिए सो आई विश वी शुड स्टार्ट द चैप्टर राइट नाउ ठीक है ये क्या हो रहा है जैसे जैसे आप लोग आते जाओ प्लीज सेंड अ हाई राइट चलिए ग्रेट वी आर लाइव नाउ यस सो वेलकम क्लास टेंथ आज के इस लाइव सेशन में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे अपना चैप्टर ऑफ ठीक है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पार्ट टू ठीक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज पार्ट टू ठीक है पार्ट टू हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे इन दिस है अच्छा ये दिस चैप्टर फॉर सीबीएसई दो हजार बीस दो हजार इक्कीस वाले बालकों ठीक है ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है बट स्टिल वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर एज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट यू कैन से ठीक है या आप कह सकते हो कि भाई हम लोग बस पढ़ रहे हैं इसको ताकि भाई हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर सके फॉर आर ओन जनरल पर्पज ठीक है चलिए बस समझने के परपज से कर रहे हैं मस्ती के लिए ठीक है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर इज ठीक है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ये लिख देता हूं ताकि भाई जो स्टार्ट कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा हो कि भाई हाँ ये दिस इज नॉट फॉर रट्टाफिकेशन ठीक है इनफैक्ट एवरी थिंग इज नॉट फॉर रट्टाफिकेशन राइट चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई हम लोगों ने पिछली बार देखा था भाई हिमालयन यू में एंड किया था है कि नहीं हिमालयन यू क्या है और हम लोगों ने उसके बेसिस पे एंड किया था कि भाई हिमालयन यू किस तरीके से ठीक है एक बहुत ही रेयर स्पीशीज बन रही है क्योंकि भाई उसका इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ केमिकल कंपाउंड टैक्सोल राइट वो प्रोड्यूस होता है एंड इट इज यूज्ड इन मेनी ऑफ द कैंसर राइट लेकिन हाँ ये हम लोग पढ़ रहे थे अंडर डिफ़ॉरेस्टेशन और आप कह सकते हो डिप्लीशन ऑफ द इकोसिस्टम वी आर हैविंग इंडिया अच्छा अगर अगर आगे बढ़े तो उसमें लिखा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ठीक है वो तो भाई ये कट तो नहीं रहा ना हां

डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसका यूज किया जाता है लाइक like, स्किन uh, आप कह सकते हो उसके भाई कुछ जानवर के भाई जो टीथ होती है ठीक है उनकी जो सींग होती है उन सबको यूज करते हैं बिजनेस के पर्पज से ठीक है अच्छा तो भाई एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेट टू दर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी ठीक है आप लोग ये देख सकते हो कि भाई हविटा डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है राइट जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है बहुत जगह पर पानी पानी जो होता है ना गंदा कर देते हैं लोग राइट पॉलिथिन फेंक देते हैं गंगा नदी में ये सब में ठीक है नदियों में फेंक देते हैं तो वो भी आपका एक टाइप से आप कह सकते हो है, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का ये मतलब नहीं होता है उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे होते हैं अदर इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनुअल एक्सेस इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर

अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है लेकिन हाँ अब आप खुद सोचो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से मतलब एक्सपोनेंटली अगर बढ़ रही है ठीक है किसी भी कंट्री में तो भाई वो एक बेसिस आप कह सकते हो कि इट इज कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ स्पेस टू लिव ठीक है भाई इंसान भी होंगे अगर तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से उनको भाई जगह चाहिए ना रहने के लिए ठीक है तो वो कहाँ से मिलेगी वहाँ से पेड़ काट दिए जाते हैं सारे फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड टू मेक दैट प्लेस अवेलेबल फॉर लिविंग ठीक है गब्बर सिंह हेलो जी हेलो अरिहंत ठीक है योर नेम इज़ गुड ब्रो लिटरली आपने ही शायद से कमेंट किया था ठीक है आई लव नेम ठीक है बहुत बढ़िया नाम लगता है इसलिए अच्छा हाउ एवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स फोर्टी टाइम्स मोर रिसोर्स दैन एन एवरेज सुमालियन ठीक है यानी कि भैया जो अमेरिकन कंट्रीज होती हैं ठीक है, है? उनमें जो अमेरिकन हैं दे कंज्यूम अबाउट फोर्टी टाइम्स मोर रिसोर्सेज ठीक है मतलब आप चालीस गुना ज्यादा आप कह सकते हो अच्छा रिसोर्सेज में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ठीक है विदाइट पेट्रोल सी एन जी एनीथिंग

जो रिचेस्ट फाइव है वो जितनी भाई गड़बड़ फैलाते हैं ठीक है जो गड़बड़ करते हैं उतने तो भैया ये मतलब और जितना कंज्यूम करते हैं ठीक है वो आपका ज्यादा है मोर देन द दुअरेस्ट ठीक है जय माता दी जय माता दी ठीक है चलिए फोकस करते हैं इस पर ठीक है सिमिलरली रिचेस्ट फाइव परसेंट हाँ कंज्यूम कंप्लीट कर चुके हैं कंज्यूम बोला था हाँ कंज्यूम कर चुके हैं ठीक है एवरी कॉन्सेप्ट एवरी कॉन्टेक्स्ट एवरी आर्टिकल शुड बी कंज्यूम्ड इन द मोस्ट प्रॉपर मैनर ठीक है चलिए आगे बढ़े डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडिया नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन वन थर्ड ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन आउट सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पल्यूटेड फोर्टी परसेंट ऑफ इट्स मैन ग्रो आउट ठीक है एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम स्पीशीज आर हेडिंग टू वर्ड्स एक्सटेंशन ठीक है ये तो भाई हम सबको जानते हैं कि भाई जो सेवेंटी परसेंट ठीक है जो हमारा सरफेस वाटर बॉडी जैसे मैंने आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में इसको भी इंक्लूड किया था कहने का क्या मतलब है जितना भी आपका सरफेस वाटर बॉडीज हैं ठीक है सरफेस वाटर बॉडीज क्या होती हैं जैसे लेक्स हो गए पॉन्ड्स हो गए ठीक है ये आपके सरफेस में ठीक है ये जो सरफेस पे वाटर आपको मिल रहा है वो क्या है वो आपके सारे सरफेस वाटर बॉडीज में है और इनका जो पोल्यूशन है ठीक है सेवेंटी परसेंट पल्यूशन ठीक है अच्छा फोर्टी परसेंट ऑफ मैनग्रोव आर वाइप्ड आउट ठीक है मैनग्रोव आपको सबको पता है ठीक है हम लोगों ने इसको बायो में भी पढ़ा था राइट सो दीज थिंग्स और कंटिन्यूड हंटिंग ठीक है एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर हेडिंग टूवर्ड्स एक्सटेंशन ठीक है भाई ये एक सीरियस इशू लगता है अच्छा बहुत लोगों को लगता होगा कि हाँ ये कैसे मतलब हम लोग तो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ठीक है हमारे घर में तो भाई कोई भी शेर मरा हुआ ठीक है उसकी पेंटिंग या कोई वॉल पे नहीं लगी है ठीक है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं कि भाई पेड़ लगाए जा सकते हैं ठीक है अच्छा अगर आपके घर के पास कोई मतलब जो स्ट्रेट डॉग्स रहते हैं ठीक है जितने भी होते हैं उनको अगर आप पाल सको ठीक है पाल सको इन सेंस कि हाँ उसको रोटी दे पाओ ठीक है बस तंत्र मंत्र नहीं इनफैक्ट फैक्ट एवरीथिंग ठीक है तो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अदर ठीक है अदर सॉर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन योर ठीक है इन योर एरिया इन हेल्पिंग मेम आउट ठीक है आई फील ये मतलब एक थॉट आ रहा था जस्ट थॉट प्रोवोकिंग ठीक है अच्छा द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली को रिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ठीक है यानी कि भाई एक्चुअल में हमारा जो बायोलॉजिकल लॉस है ना ये एक्चुअल में किससे स्ट्रांगली को रिलेट कर सकते हैं विद लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी यानी ये जो डाइवर्सिटी एक टाइप से हमें कल्चर में मिली है ठीक है अब ये कल्चर कौन सा है ये हमारा फ्लोरा एंड फोना का कल्चर है ठीक है तो इसका जो लॉस है ठीक है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है

मतलब जो वेमेन है राइट उनको अगर कोई काम करना पड़ा हो वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करके ले आ रही हैं तो धीमे धीमे फॉरेस्ट भी डिप्लीट होंगे ठीक है अच्छा वो डिप्लीट होंगे तो मतलब आपको ज्यादा दूर जाना पड़ेगा वहीं लिखा हुआ है कि एटलीस्ट ठीक है बहुत ज्यादा जगहों पे भाई मोर देन टेन किलोमीटर दे हैव टू वॉक टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेस दिस कॉज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक है हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर हैम एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर ऑफ वर्क विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इंप्लीकेशन ठीक है ये एक सीरियस मतलब सोशल इंप्लीकेशन भी आपका क्रिएट करता है कॉज करता है ठीक है ग्रेट अगर आगे बढ़े तो इसमें लिखा है इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच आर सीवियर ड्राउट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूज फ्लड्स एक्सेट्रा ऑल्सो हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट पोवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ठीक है देयर फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट ठीक है टॉप टेन फैक्ट हाई ब्रो हेलो जी ठीक है अच्छा, to to कि हाँ, अगर आप फ्यूल कलेक्शन पे आपका मतलब उसी से हो रहा है, ठीक है और अगर आपके रीच में भाई एलपीजी सिलेंडर नहीं है ड्यू टू तो सम आप कह सकते हो गवर्नमेंट मेजर्स क्योंकि भाई हर जगह अचानक से गवर्नमेंट हर जगह फैल तो जाएगी नहीं ठीक चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो ठीक है लेकिन हाँ अगर उस पर है तो यू शुड ऑल्सो सम कंजर्वेशन दोज ठीक 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 है, on which you are dependent, है, है। आई थिंक सबको समझ आ रहा है यहां तक आप लोगों में से किसी को कोई डाउट नहीं ठीक है ग्रेट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आखिर भाई हमें जरूरत क्या है ये एक बहुत लोगों को लगता होगा लेकिन हाँ आप खुद सोचो ना जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ वाले में जो पॉइंट पढ़ा है ठीक है इम्प्लीकेशन का मीनिंग मीनिंग होता है ठीक है इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लाइज ठीक है आप लोग मैथ्स में लगाते हो ना डाट इम्प्लाइज ठीक है इसका मीनिंग है ठीक है इम्प्लीकेशन का मतलब यही होता है ठीक है आई फील सबको समझ आ रहा है ठीक है चलिए आगे अगर बढ़े तो इसमें लिखा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आखिर भाई कंजर्वेशन क्यों जरूरी है तो ये जो इधर लाइन लगी है ना कि नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजिकल इश्यूज़ ठीक है कि हाँ भाई बायोलॉजी कोई मतलब एक स्पीशीज़ जा रही है आप ये समझ लो कि उसका ठीक है वो जो इको है ना उसका एक कल्चर मिस कर रहे हो ठीक है एक लॉस हो रहा है ठीक है अच्छा आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई ब्रिटिश इंडिया में थे थी, ठीक है हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भाई कॉलोनी में वो लोग रहते थे तो दिस इज नथिंग मतलब कोई दिक्कत नहीं उससे ठीक है उन लोगों ने हमें रेलवे दिया है उन लोगों ने हमें एक आर्मी की कमीशन दी है मतलब कि आर्मी कैसे मैनेज की जाती है एक आप कह सकते हो यूनिफाइड तरीके से इंडिया पर वो लोग राज कर रहे थे ठीक है हाँ तो भाई वो लोग इंडिया पर राज कर रहे थे ये सब हमें ये सब समझ में आ रहा था लेकिन अगर हम लोग सही से देखें तो क्या वो असलियत में हमारे लिए फायदेमंद था ड्यू टू कोलोनाइजेशन ठीक है हम लोगों ने बहुत सारा अपना इंडिजिनस ठीक है इंडियन इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन इनफैक्ट फॉर साइंस एंड फॉर फिलोसफी एवरीथिंग ठीक है इस हम लोग हम लोग लूज कर रहे थे सो दिस इज ऑल्सो कॉजिंग अ प्रॉब्लम ठीक है आई फील आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ बस इसी चीज को आप लोग नेचर के साथ देख लो कि हाँ कि भाई हम लोगों ने एक तरीके से ठीक है ह्यूमंस ने ह्यूमंस ने उसको एज अ कॉलोनी मान लिया कि हाँ भैया ये ये, ये जमीन मेरी है ठीक है और यहाँ पे फॉरेस्ट था ना फॉरेस्ट था ठीक है

आगे अगर बढ़े तो इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज फिशरीज टू आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ठीक है यानी कि हाँ हमारी भाई फिशरी ठीक है फिश हैिशेज जो होती हैं बहुत सारी फिशेज अब आप ये समझ सकते हो कि हाँ मैं मतलब मैं अगर मान लेते हैं कि कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो बोलता है कि हाँ मैं फिश तो खाता हूँ लेकिन भाई जब मैं वेल नहीं खाता हूँ तो क्या जरूरत है वेल का होने का ठीक है वेल के होने की क्या जरूरत है लेकिन अगर आप सही से देखो तो भाई वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी आप कह सकते हो कि हाँ इधर की ओर वेल से रहती है थीके? जैसे चाइना अपनी खुशी से गर्व से हर जगह कहता है ना कि हाँ हमारे पास पांडा है ठीक है उसी तरीके से आपको भी एक गर्व होना चाहिए ऑनर कल्चरल डाइवर्सिटी ठीक है आई थिंक सबको समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों तो में से किसी को कोई डाउट नहीं ठीक है ग्रेट ठीक है अच्छा अगर आगे बढ़े लोगो तो देख रहा था आप लोगों तो ने किस प्रकार का लोगो लगाया है, है? है, है? है मुझे बुक रीडिंग अच्छी लगती है नहीं तो अगर कोरोना नहीं होता आई वुड लाइक टू प्ले ठीक है मुझे खेलना बहुत पसंद है ठीक है अच्छा इस चीज पे फोकस करते हैं इन द नाइनटीन सिक्सटीज एंड कंजर्वेशनिस्ट

प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि भैया जितनी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जितनी रेयर स्पीशीज हैं विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन दे शुड भी प्रोटेक्टेड ठीक है सो दिस इज एन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाँ ये इसलिए हमारा प्रोटेक्शन एक्ट एक प्रोविजन लेके आया था ठीक है अच्छा आगे अगर बढ़े हम लोग तो लिखा है सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मनी स्टेट गवर्मेंट्स स्टेब्लिड नेशनल पार्कस एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड देंट्रल गमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच आर ग्रेवली थ्रेटन ठीक है चलिए इंक्लूडिंग द टाइगर द वन ठीक है द वन हॉन्ड राय सच अफुल मतलब एनिमल ठीक है मतलब बहुत बढ़िया लगता है अच्छा वेजिटेरियन होते हैं हाँ द कश्मीर स्टैग और हंगुल ठीक है थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल ठीक है घड़ियाल लोगों ने सुना होगा घड़ियाली घड़ियाली आंसू ना बहाओ ठीक है अच्छा वो एक मुहावरा है लेकिन हाँ घड़ियाल द द लैंड एंड अदर्स मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट ठीक है मेक अ बायोग्राफी ऑन सर रतन टाटा इज अ ग्रेट मैन ठीक है ब्रो वो बायोग्राफी नहीं हुआ हाँ बायोग्राफी होती है ठीक है आई एम सॉरी मुझे लगा ऑटोबायोग्राफी लिखी है ऑटोबायोग्राफी आदमी खुद लिख रहा होता है बायोग्राफी कोई और लिख रहा होता है ठीक है आई डोंट नो मच अबाउट हिम बट एक फैक्ट मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था मैं इसमें डिस्कस कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट फॉर मतलब आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है डेट इज नॉट ट्राइंग टू केल एनी टाइम हाँ वो भाई बहुत बढ़िया लगा था कि ही मतलब ही इज द फर्स्ट सेकेंड इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक है जिनके लिए डिमांड किया गया है फॉर भारत रत्न ठीक है हाँ द कश्मीर स्टैग और हंगूल ठीक है ये सब आपका हो गया मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट ब्लैक बक चिंकारा ठीक है ब्लैक बक आप लोगों ने यह नाम सुना होगा ठीक है न्यूज़ में आया था राइट, एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोदावान ठीक है एंड द स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया ठीक है यह आइडिया आपने अच्छा दिया है ठीक है इस आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ राइट प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फोनल वेब ठीक है

हमारे टाइगर्स अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है ठीक है थ्रेड्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस ठीक है सच एस पोचिंग सच एज पोचिंग ठीक है फॉर ट्रेड श्रिंकिंग हैबिटेट डिप्लीशन ऑफ प्रेबे स्पीशीज ठीक है ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसन्स ठीक है, एशियन कंट्रीज टाइगर पॉपुलेशन ऑन एक्सटेंशन अच्छा अगर आगे बढ़े तो इसमें लिखा है, पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड मेग क्या था ये हाँ इल्लीगल था एक मिनट ठीक है इलीगल हाँ।

Of, had dropped to 3600. There were 39 tigers reserves in India covering an area of 32137.14 square kilometer. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarbans National Park in West Bangalore, lovely place and Bandhavgarh National Park देश सॉरी इसका वाइल्ड लाइफ सैंकुरी इन राजस्थान मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड टाइगर रिजर्व इन केरलाइगर रिजर्व इन इंडिया मुझे वाला हम ने बहुत देखा है? है? अच्छा आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया यहाँ तक कि आप लोगों में से किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है अगर आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडावर्सिटी राधर ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कॉम्पोनेट देर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर इंक्रीजिंगली even insects are beginning to find a place in conservation planning. in the notification under wildlife act of 1980, in the notification under wildlife act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths and beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species. in 1991, for the first time, प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग सिक्स स्पीशीज ठीक है अच्छा ये लिस्ट क्यों प्रिपेयर की गई थी ताकि भाई इनका प्रोटेक्शन के ऊपर ठीक है अच्छे से वर्क अपॉन किया जा सके सर आई हैव एन एडवाइस डेट यू शुड हैव अ सिप ऑफ वाटर योर वॉइस वॉइस हैज बिकम रफ रफ अरे voice rough हो गई कोई दिक्कत नहीं ब्रो <coughs> मारिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ठीक है इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आर वास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इट इज राधर टू मैनेज कंट्रोल एंड रेगुलेट दम इन इंडिया मच ऑफ इट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आईदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिप्टमेंट्सिफाइडर एज फॉलो ठीक है सर हैव समर ब्रो छोड़ दो अभी ये पानी पी के बैठे हैं ना हो सकता है आवाज में आप लोगों को लग रहा हूँ हल्का सची ठीक है रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड रिजर्व फॉरेस्ट ठीक है रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज द कंजर्वेशन एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं एक आपके रिजर्व फॉरेस्ट हो गए आई फील सबको समझ आ रहा है यहाँ तक ठीक है जिनको भाई हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इनमें होता क्या है कि भाई इनमें बहुत ज्यादा वैल्यूबल और कंजर्वेशन किया जाता है ऑफ अदर स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ठीक है अच्छा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ठीक है अच्छा ये क्यों किया गया ताकि भाई इनका डिप्लीशन ना हो सके और इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जा सके ठीक है अच्छा इनके बाद तीसरे आते हैं अनक्लास्ड ठीक है अनक्लास्ड क्या होते हैं दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ठीक है यानी कि भाई ये दोनों कम्युनिटीज और आपके गवर्नमेंट प्राइवेट सबके लिए ये खुले होते हैं ठीक है अच्छा इसमें भाई हमारा किसी को अगर याद हो जो हमारा चैप्टर एग्जाम में आ रहा है ठीक है फर्स्ट चैप्टर उसमें बताइए कितना फॉरेस्ट एरिया इज मिनिमम रिक्वायर्ड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया था ठीक है जो बता दे यानी कि भाई उसने पहला वाला चैप्टर पढ़ा है ठीक है भाई मैंने पढ़ाया है और मुझे याद है और आप लोगों को भी याद होना चाहिए आप लोग बताओ ठीक है जो बता देगा भाई उसके तो मजे ही मजे मतलब उसने अच्छे से पढ़ा है ठीक है ये मैंने पढ़ाया था और मुझे याद आ रहा है ना इसलिए पूछ रहा हूँ और अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यू जस्ट नीड टू रिवाइज ठीक है अच्छा रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स मैंशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन ठीक है आगे अगर बढ़े तो इसमें लिखा है एम पी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट ठीक है मध्य प्रदेश भैया सबसे ज्यादा उसका एरिया है ठीक है ग्रेट आगे अगर बढ़े तो इसमें लिखा है कंस्टिट्यूटिंग सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड जम्मू एंड कश्मीर आंध्र प्रदेश उत्तराखंड केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेजेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट फॉर इट्स ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वे बिहार हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश ओडिशा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ठीक है

ठीक है अच्छा आई फिर सबको समझ आ रहा है यहां तक आप लोगों से किसी को कोई डाउट नहीं Community and conservation, है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ठीक है कम्युनिटी की बात करें अगर तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर नॉट न्यू इन आर कंट्री वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया ठीक है फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ये हम लोग जानते हैं ट्राइबल ग्रुप्स जितने होते हैं इंडिया में ठीक है वो सारे के सारे हमारे लिए काम कर रहे हैं ठीक है इन फैक्ट वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं उनकी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज वहां रहती हैं ठीक है अच्छा इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व हैबिटेट्स विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड ठीक है इन सरेस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है आप इसको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कि भाई जो सरेस्का टाइगर रिजर्व है ठीक है उसमें भाई उन लोगों ने माइन यानी खदान जो होती है ना कोल माइनिंग ये सब ठीक है उसके खिलाफ उन लोगों ने भाई लड़ाई की थी ठीक है विद आप कह सकते ऑफिशियल्स ठीक है जो वहां पे माइनिंग करना चाहते हैं इन मेनी एरियाल्व आर प्रोटेक्टिंगली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट द इनहेबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द

थोड़ा सा बढ़ा है पहले तेरह परसेंट के आसपास था और वो ट्वेंटी बट स्टिल इट इज लेस देन ठीक है आई गेस चलिए हाँ लेकिन थर्टी थ्री परसेंट शोरूम है मतलब मुझे याद आ रहा है ठीक है अच्छा वेल्थ ऑफ ग्रोथर्स एंड रेयर स्पीशीज ठीक है नेचर वर्शिप इन इज एन ओल्ड एज एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ ठीक है मतलब कुदरत के भाई हम लोग

टैमरिन कहा था मैं हाँ टैमरिन एंड मैंगो ठीक है मैंगो भाई बहुत ज्यादा वहां पे लोग वर्शिप करते हैं महुआ कदम ठीक है आप चाहो तो याद कर सकते हो लेकिन हाँ मतलब मुझे बढ़िया लगता है इस तरह की चीजें ठीक है अच्छा आगे अगर बढ़े तो इसमें लिखा है टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड ठीक है सैक्रेड आपका भाई पवित्र ठीक है हाँ पीपल का पेड़ बनयान का पेड़ ठीक है बरगद का पेड़ राइट ये सब भाई हम लोग सैक्रेड मान रहे होते हैं अच्छा बिहार ओडिशा में आपका भी दिया हुआ है ठीक है इमली का पेड़ और आपका मैंगो आम का पेड़ ठीक है ग्रेट आगे अगर बढ़े तो इंडियन सोसाइटी सेवरल कल्चर्स ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब्ड टू स्प्रिंग्स माउंटेन्स पीक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ है मकैक आपके बंदर होते हैं ठीक है एंड लंगूर्स अराउंड मेनी टेम्पल्स आर दे आर फेड डेली ठीक है फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिटीज ठीक है इन एंड अराउंड बिश्नोवी विलेज इन राजस्थान हर्ड्स ऑफ ब्लैक चिंग चिंकारा नीलगाय एंड पीकऑफ्स कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बडी ठीक है तो बहुत बढ़िया लगता है लिटरली दिस इज पेज चलिए आगे बढ़ते हैं भाई चिपको मूवमेंट आप चाहो तो भाई इस पर स्ट्रेस देकर पढ़ सकते हो क्योंकि भाई ये आपके साइंस में आ रहा है ठीक है लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेते हैं द फेमस चिपको मूवमेंट इज द इन द हिमालय नॉट बीन सक्सेसफुल रेजिस्टेड एंड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज हैजल्सो शोन डैट कम्युनिटी ए फॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीशीज कैन बी अनोमियसली सक्सेसफुल ठीक है ए फॉरेस्टेशन जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन राइट आगे अगर बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई अटम्प्स टू रिवाइव रिवाइव यानी वापस से जिंदा करना ठीक है रेजोनेट हाँ रेजोनेट अलग होता है लेकिन हाँ अटेप टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर न्यू वाइड स्प्रेड फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन ठीक है इन तेरी

कल तो भैया कुत्ता लेक्चर देने बैठा था बाहर जितने भी डॉग्स से ठीक है तो उनको तो नहीं रोक सकते थे लेकिन हाँ अभी तो सामने ठीक इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जे प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल फॉर द इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस ठीक है कौन सा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ठीक है अच्छा आगे बढ़े द स्टेट ऑफ ओडिसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर फॉरेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक है कौन सा स्टेट ओडिशा पहले उड़ीसा था बाद में उड़ीसा हुआ है ठीक है अच्छा आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट ठीक है मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट राइट आगे बढ़ते हैं हम लोग इन द रिटर्न एक मिनट सॉरी हा डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ठीक है अच्छा इन रिटर्न द मेबर्स ऑफ दीज कमिटीज आर एंटाइटल इंटरमीडरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टेम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टेम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन यानी कि भाई वहां के लोगों को भाई इंकारट करते हैं कि हाँ आप जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जुड़ी ठीक है, है और जितना हमारा एरिया है अगर आप उसमें सक्सेसफुल रिवाइविंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ कल्चर करते हैं ठीक है फ्लोरा अगर फ्लोरा एंड फोना को आप बचा पाते हैं तो दिस विलीड यू टू तो ग्रेट एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट्स ठीक है आ, आगे बढ़ते हैं तो भाई लिखा है द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेस ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज डैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू इन्वॉल्व हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम कांड ऑफ नैचुरल रिसोर्सेज रिसोर्स मैनेजमेंट बट दे इज स्टिल अलॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग ठीक है चलिए आई फील तक सबको समझ में आ गया ठीक है दिस चैप्टर हैज एंडेड बट स्टिल मैंने ये वाला पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया था कि भाई ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए एंड दिस इज अ थॉट प्रोवोकिंग एंड इनफैक्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू ठीक है ठीक है द ट्री इज अ पेक्यूलर अनलिमिटेड काइंडनेस

शेड ठी इनफैक्ट इवन द एक्समैन जो भाई कुलाड़ी चला के उसको भी भाई वो देता है ठीक है तो आप कह सकते हो किस्ट डोनेशन इन आर सोसाइटी सो दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थॉट कि भाई दिस शुड बी कवर्ड इन दिस सेशन चलिए सो नेक्स्ट क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल ठीक है एग्रीकल्चरल वाली होगी ठीक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ठीक है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे राइट right. सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें वीडियो को लाइक कीजिएगा इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग